यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं 27 और 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश की संभावना है, तो कहां पर बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं प्रदेश का तापमान, यानी कि प्रदेश के कौन से हिस्से में तापमान ज़्यादा बना हुआ है, कहां पर तापमान कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य बना हुआ है। हालांकि कुछ शहरों में गर्मी और उमस का एहसास लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकतर जिलों में बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको बताते हैं, अगर बीते 24 घंटे का हाल देखें तो आगरा शहर सबसे ज़्यादा गर्म रहा। आगरा में 36.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा यूपी के कानपुर में भी काफ़ी ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो फतेहपुर ज़िले में न्यूनतम तापमान रहा, यहाँ पर 18.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी कि फतेहपुर में मौसम बहुत ज्यादा सुहावना बना हुआ है। अब जानते हैं कि आने वाले दो दिन में कहां कहां पर बारिश होगी। तो आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर इन जिलों में बारिश हो सकती है। इसमें यूपी के रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के साथ देवरिया, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर और लखनऊ शामिल हैं। यहाँ पर आने वाले 24 घंटे के अंदर बारिश होने के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली की गरज चमक के साथ बारिश होगी। साथ ही 28 अगस्त तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने के आसार हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां पर मूसलाधार बारिश होगी और किन जिलों में मानसून सक्रिय है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश होगी। इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर देहात, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहगढ़, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सोनभद्र और हरदोई जिले शामिल हैं। यानी कि यहाँ पर बरसात होगी। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर मानसून सक्रिय है, यानी कि यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या रिमझिम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। तो आपको बता दें कि इस दौरान मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, बहराइच, संतकबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, बनारस, फतेहपुर, फुर्सतगंज, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, मैनपुरी, हाथरस और आगरा जिलों में ट्रफ लाइन की वजह से मानसून सक्रिय है और यहाँ पर बौछारें हल्की बारिश होने के आसार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में कहां कहां पर बीते 24 घंटे के दौरान बारिश हुई। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सावन के बाद भादो में अच्छी बारिश की उम्मीद है। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 9.6 मिलीमीटर बारिश हुई। 1 जून से अब तक 501.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य औसत से 131.1 मिलीमीटर कम है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को 22 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। लखनऊ में बादल छाए हैं, पूर्वांचल में, वाराणसी, गोरखपुर में बारिश हुई है। गोरखपुर के आसपास जिलों में बारिश की वजह से जलभराव है और ट्रेनों के रूट भी बदलने पड़े हैं। साथ ही अन्य जिलों में भी बारिश के बाद थोड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मौसम विभाग का क्या कहना है। तो आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पाकिस्तान के बीच दबाव बनने से पूर्वी उत्तर भारत में दबाव बना है। इससे पूर्वी के इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी क्षेत्रों से छूने वाले शहरों में मामूली बरसात होगी। इसके साथ उमस बढ़ जाएगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होगी। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप न्यूज़ को
कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।